हेलो स्टूडेंट, आई एम सचिन गोयल, मैथमेटिक्स टीचर। मेरा यूट्यूब चैनल आई होप आपने सब्सक्राइब कर दिया होगा। अगर अभी तक नहीं करा है तो सो प्लीज़ मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट, 2.5 एक्सरसाइज, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। तो इसका पहले हम होल स्क्वायर बनाएंगे। आइडेंटिटी कौन सी लगेगी? यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ये आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2ab 2bc प्लस 2ca। तो ये वाली जो फॉर्म है वो ये है, ठीक है। इसको इसमें कन्वर्ट करना इज इक्वल टू, इसको मैं लिख दूं 2x का स्क्वायर प्लस 3y का स्क्वायर प्लस 4z का स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये हो गया बी स्क्वायर, ये हो गया सी स्क्वायर, ये हो गया। अब आगे क्या है? 2ab 2 इंटू ए की वैल्यू, 2x इंटू बी की वैल्यू 3y, सही है, प्लस 2 इंटू 3y इंटू 4z प्लस 2 इंटू 4z इंटू 2x, क्लियर। अब बट यहां पे माइनस है, यहां पे क्या है? माइनस। अब माइनस का वेरिएबल क्या है? yz और xz, यानी कि कॉमन वेरिएबल क्या है इसमें? z। तो आप z पे माइनस लगा दें, जहां भी आप z देखें वहां पे क्या लगा दीजिएगा? माइनस, क्लियर। तो फॉर्मूला बन गया हमारा 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर इज राइट आंसर। नेक्स्ट ऐसी सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट 2x² प्लस y² प्लस 8z² माइनस 2√2xy प्लस 4√2yz माइनस 8xz। तो आपको इसका भी होल स्क्वायर बनाना है। पहले होल स्क्वायर, इसको मैं लिख दूं √2x का स्क्वायर प्लस y² प्लस 2√2z का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √2x इंटू y प्लस 2 इंटू y इंटू 2√2z प्लस 2 इंटू 2√2z इंटू √2x, ये बन गया फॉर्मूला। तो यूजिंग आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ठीक है। तो इसमें हम अब बट यहां पे माइनस है, देखो ये माइनस किस पर है? माइनस xy और xz, यानी कि आप माइनस लगा दें x की तरफ, जहां भी x देखें वहां आप माइनस लगा दें। तो फॉर्मूला बन गया माइनस √2x प्लस y प्लस 2√2z का होल स्क्वायर, क्लियर। क्वेश्चन नंबर सिक्स का फर्स्ट पार्ट, राइट द क्यूब इन एक्सपेंड, 2x प्लस 1 का होल क्यूब। तो यूजिंग
आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल क्यूब, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ठीक है, ब्रैकेट ए प्लस बी। तो इसमें ए हमारा 2x है और बी हमारा 1 है, तो ए की वैल्यू यहां पे पुट करेंगे, ए प्लस बी का होल क्यूब, ए की वैल्यू कितनी है 2x, यानी कि 2x का होल क्यूब प्लस बी की वैल्यू 1 का क्यूब प्लस 3 × 2x × 1 और 2x + 1, 2x का क्यूब 8x³ प्लस 1 प्लस 3×2 = 6x, 2x + 1, 8x³ प्लस 1 प्लस 6×2 = 12 और x की x में करी x² 6x = 6x इज राइट आंसर। सेकेंड पार्ट, सेकेंड पार्ट 2a - 3b का होल क्यूब यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी, इस बार आइडेंटिटी आपको यूज करनी है a माइनस बी का होल क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ठीक है। तो a की जगह पे यहाँ पे क्या रखेंगे आप, पुट करेंगे 2a और b की जगह पे 3b इज इक्वल टू 2a का क्यूब माइनस 3b का क्यूब माइनस 3 × 2a × 3b ब्रैकेट 2a - 3b, 2a - 3b, 2 का क्यूब कितना हुआ 2×2 = 4×2 = 8, ए क्यूब माइनस 3×3 = 9, 3×3 = 27, बी क्यूब माइनस 3×2 = 6, 6×3 = 18, ए बी 2a - 3b, 8a³ माइनस 27b³ माइनस 18×2 = 36, a²b प्लस 18×3 = 54, ab² इज राइट आंसर। थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट 3/2x + 1 का क्यूब यूजिंग आइडेंटिटी, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी की पावर 3, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट ए प्लस बी, ए प्लस बी, ए के स्थान पे रखेंगे 3x/2 और बी के स्थान पे 1, पुट करने पर 3/2x³ प्लस 1³ प्लस 3×3/2x × 1, 3/2x + 1, ए और बी की वैल्यू पुट करी, 3 का क्यूब 3×3 = 9, 3×3 = 27 अपॉन 2×2 = 4×2 = 8, x³ प्लस 1 का क्यूब 1 प्लस 3×3 = 9 की x = 9x अपॉन 2×3/2x + 1, ठीक है। नेक्स्ट मल्टीप्लाई करेंगे 27/8 x³ प्लस 1 प्लस 9×3 = 27, x² / 2×4 प्लस 9/2x इज राइट आंसर। फोर्थ पार्ट इज, फोर्थ पार्ट x - 2/3y की पावर 3, x - 2/3y यूजिंग आइडेंटिटी a माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab ब्रैकेट a माइनस बी, ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे x की पावर 3 माइनस b की वैल्यू 2/3y की पावर 3 माइनस 3×x(2/3y) ब्रैकेट x - 2/3y, ठीक है, x की पावर 3 माइनस 2×4×8 / 3×9×27 y की पावर 3
थ्री से थ्री कट, माइनस टू एक्स वाई, एक्स माइनस टू अपॉन थ्री, टू अपॉन थ्री वाई, टू अपॉन थ्री वाई मल्टीप्लाई करेंगे, एक्स की पावर थ्री माइनस एट अपॉन ट्वेंटी सेवन, वाई की पावर थ्री माइनस टू एक्स स्क्वायर वाई प्लस टू टू जा फोर अपॉन थ्री एक्स वाई स्क्वायर इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेवन, क्वेश्चन नंबर सेवन का फर्स्ट पार्ट, क्वेश्चन नंबर सेवन का फर्स्ट पार्ट 99 की पावर थ्री, 99 की पावर थ्री, 99 को हम लिख सकते हैं 100 माइनस वन की पावर थ्री, 100 माइनस वन की पावर थ्री, यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी की पावर थ्री इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी। तो ए की वैल्यू क्या पुट करें, 100 की पावर थ्री माइनस बी की वैल्यू वन की पावर थ्री माइनस थ्री इंटू हंड्रेड इंटू वन, हंड्रेड माइनस वन, हंड्रेड की पावर थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, माइनस वन की पावर थ्री इज वन, माइनस थ्री हंड्रेड इंटू नाइन्टी नाइन, देन एक दो तीन चार पाँच छः वन टू थ्री फोर, माइनस वन माइनस जीरो जीरो, नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन का सेवन कैरी टू, नाइन थ्री जो ट्वेंटी सेवन ट्वेंटी एट ट्वेंटी नाइन। ठीक है, अब इसको आप सोल्व कीजिएगा, तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स माइनस 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 प्लस टू नाइन सेवन जीरो वन, माइनस किया माइनस जब करेंगे तो कितना आएगा, नाइन सेवन जीरो टू नाइन नाइन इज राइट आंसर। माइनस कर लीजिएगा, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट, देन सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट इज 102 की पावर थ्री, तो 100 प्लस टू की पावर तीन, यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी की पावर थ्री इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी। तो ए की वैल्यू 100, 100 की पावर थ्री प्लस बी की वैल्यू टू की पावर थ्री प्लस थ्री इंटू हंड्रेड इंटू टू और हंड्रेड प्लस टू, हंड्रेड की पावर थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स प्लस टू की पावर थ्री इज एट, थ्री टू द सिक्स हंड्रेड इंटू वन जीरो टू, वन जीरो 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 इसमें ये प्लस कर रहे हैं एट प्लस जीरो जीरो सिक्स टू जो ट्वेल्व का टू कैरी वन, ये प्लस हो गया, इसको जब आप ऐड करेंगे तो एट जीरो टू वन सिक्स वन जीरो इज राइट आंसर। थर्ड पार्ट इज 998 की पावर थ्री, थर्ड पार्ट 1000 माइनस टू की पावर थ्री, यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी की पावर थ्री इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी, ए माइनस बी। ठीक है, तो ए की वैल्यू क्या पुट करेंगे, 1000 की पावर थ्री माइनस टू की पावर थ्री माइनस थ्री इंटू 1000 इंटू टू ब्रैकेट 1000 माइनस टू, 1000 की पावर थ्री वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन, माइनस टू की पावर थ्री इज एट, माइनस थ्री टू द सिक्स थाउजेंड इंटू ब्रैकेट नाइन नाइन एट,
तो 1000 में से 8 को माइनस करेंगे, 1000 में से 8 को माइनस करा तो देखो यहाँ पे 10 में से 8 गया, 2, 9, 9 कितनी बार लिखा जाएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8 टाइम्स को 9 लिख दो, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, माइनस 6000 की मल्टीप्लाई इसमें 0, 0, 0, 8, 6, 48 का 8 कैरी 4, चुका 54, 55, 56, 57, 58 को 8 कहाँ से लगे, 5, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 59, माइनस करेंगे, माइनस करते ही 9940119992 इज राइट आंसर। ठीक है, ओके। और अब क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर एट का फर्स्ट पार्ट, फैक्टराइज ईच ऑफ द फॉलोइंग। 8 ए की पावर 3 प्लस बी की पावर 3 प्लस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। ठीक, तो इसको मैं होल क्यूब बना लेता हूं, 2 ए की पावर 3 प्लस इसको मैं बी की पावर 3 बना लेता हूं प्लस फॉर्मूला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए, ए की जगह 2 ए, बी की जगह बी और ब्रैकेट 2 ए प्लस बी। तो यूजिंग आइडेंटिटी ए प्लस बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी। देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3 ए बी ब्रैकेट ए प्लस बी की आइडेंटिटी ए प्लस बी होती है, तो ए के स्थान पे क्या है 2 ए प्लस बी की पावर 3 इज राइट आंसर। सेकेंड पार्ट इज 8 ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 12 ए स्क्वायर बी प्लस 6 ए बी स्क्वायर। तो इसमें भी आपको ऐसे ही करना पड़ेगा, जस्ट बस माइनस है, 2 ए की पावर 3 माइनस बी की पावर 3 माइनस 3 इंटू ए इंटू बी 2 ए माइनस बी। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी। फिर 2 ए माइनस बी की पावर 3 इज राइट आंसर। थर्ड पार्ट 27 माइनस 125 ए की पावर 3 माइनस 135 ए प्लस 225 ए स्क्वायर। इसको भी ऐसे करना है आपको, 27 को लिख दूं 3 की पावर 3 माइनस 125 5 ए की पावर 3 माइनस 3 इंटू 5 ए ब्रैकेट 3 माइनस 5 ए, 3 माइनस 5 ए। यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी। ठीक, देन आंसर इज 3 माइनस 5 ए की पावर 3 इज राइट आंसर। दो पार्ट हो रहे हैं बस, फोर्थ पार्ट देखेंगे। फोर्थ पार्ट 64 ए की पावर 3 माइनस 27 बी की पावर 3 माइनस 144 ए स्क्वायर बी प्लस 108 ए बी स्क्वायर। 64 को लिख दें 4 ए की पावर 3 माइनस 3 बी की पावर 3 माइनस 3 इंटू 4 ए इंटू 3 बी ब्रैकेट 4 ए माइनस 3 बी। ठीक है, यूजिंग आइडेंटिटी, आपको आइडेंटिटी हर एक पार्ट्स में लिखानी है। यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी इज इक्वल टू 4 ए माइनस 3 बी की पावर 3। लास्ट पार्ट इज फिफ्थ पार्ट,
27 पी की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 216 माइनस 9 अपॉन 2 पी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन 4 पी, 3 पी की पावर 3 माइनस 1 अपॉन 6 की पावर 3 माइनस 3 इंटू 3 पी इंटू 1 अपॉन 6 ब्रैकेट 3 पी माइनस 1 अपॉन 6। यूजिंग आइडेंटिटी ए माइनस बी की पावर 3 इज इक्वल टू ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3 ए बी ब्रैकेट ए माइनस बी, ए के स्थान पे 3 पी माइनस 1 अपॉन 6 की पावर 3 इज राइट आंसर। कंप्लीटेड। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगी तो सो प्लीज मेरी वीडियोस को लाइक एंड शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दें जिससे कि आपको वीडियोस की अपडेटिंग मिलती रहे। थैंक यू स्टूडेंट।